जादुई जंगल। बहुत समय पहले एक छोटा गांव था। इस गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को जंगलों से बहुत प्यार था। उसे अपने दिन का अधिकांश समय जंगल में बिताना अच्छा लगता था। वह हर बार जादुई जंगल के जानवरों को देखने को उत्साहित हो जाता था। एक दिन रोहन जंगल में एक नया रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ा। यह रास्ता उसे बहुत आकर्षित कर रहा था क्योंकि उसने कभी पहले उस तरह का रास्ता देखा नहीं था। रोहन उत्साहित होकर उस रास्ते पर चलने लगा। धीरे धीरे रास्ता उसे एक अद्भुत जंगल में ले गया। वह जंगल रोहन ने कभी नहीं देखा था। यह जादुई जंगल था। हर पेड़ पौधे चमकदार और बहुत ही खूबसूरत थे। फूलों की खुशबू सब तरफ फैली हुई थी। रोहन अचंभित हो गया और खुशी के मारे हंस पड़ा। जब वह चलने लगा तो उसके सामने एक छोटी सी मगरमच्छ आई। मगरमच्छ ने रोहन को देखते ही बातचीत की और उसे अपने साथ जादुई जंगल का दरबार दिखाने के लिए आमंत्रित किया। रोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह उसे पीछे चलने लगा। मगरमच्छ रोहन को जादुई जंगल के राजा के पास ले गई, जहां एक बड़ा समारोह चल रहा था। वहां उन्हें सभी जानवर मिले जिन्होंने रोहन को अपने जादुई जंगल में स्वागत किया। सभी जानवर बहुत दोस्ताना और खिलौने वाली भाषा में बातचीत कर रहे थे। रोहन को वहां सबसे अधिक पसंद आई एक चिड़िया थी जो अपने चमकदार पंखों और सुंदर आवाज के लिए मशहूर थी। चिड़िया रोहन के पास उड़ी और उसे कुछ बहुत खास दिखाने लगी। वह एक जादुई गाना गा रही थी जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी आवाज मधुर और मनमोहक थी जो सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उसने अपना गाना पूरा किया तो सभी जानवर रोहन के चाहने लगे और उसे अपने दोस्त मानने लगे।